नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। हाजीपुर में 13th स्नातक उपचुनाव की बैठक को संबोधित करते हुए एक बार फिर उनका दर्द छलका है। उन्होंने भरी सभा में कहा है कि हम सीतामढ़ी से चुनाव अपनी बदौलत जीते हैं। इसके साथ ही सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक और बड़ा बयान दिया और कहा है कि जेडीयू और बीजेपी मेरे साथ था या मेरे पीछे था, यह हम नहीं जानते। मैंने जो काम किया उसी का फल मिला है कि मैं चुनाव सीतामढ़ी से जीत गया। मेरे कहने का इशारा आप समझ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उनको हराने के लिए सभी पार्टियों ने साजिश रची। देवेश चंद्र ठाकुर ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी और जेडीयू लोकसभा चुनाव में उनके साथ खड़ी थी या पीछे, उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है। आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट समेत सभी पार्टियों ने मिलकर उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण वो चुनाव जीते हैं। तो क्या कुछ कहते हुए देवेश चंद्र ठाकुर नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। चुनाव जीते हैं, आप लोग जान लीजिए, तो कोई बात छिपाते नहीं है। कभी भी कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20-25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार के लोगों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, आपको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, आपको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमने रिलेशन सबसे रखा और वो मेरा स्वभाव है, वो कोई चुनाव के चलते या वोट के चलते नहीं है, वो शुरू से है। क्या लगता है किसी से रिश्ता रखने में, क्या दे दीजिएगा किसी को? आप अपने क्या है जो आप किसी को कुछ दे दीजिएगा? कुछ नहीं। आपके यहां कोई आता है, भैया ये इंटरव्यू कर दीजिए, ये मेरा एडमिशन करा दीजिए, मेरा अस्पताल का भर्ती करा दीजिए, कुछ नहीं उसको लगता है आपको करने में। थोड़ा सा समय दे दीजिए, जो आपकी जो आपके कष्ट से आता है वो जिंदगी भर उस बात को याद रखेगा जो उनके पास गए थे। तो ये जानना भी नहीं चाहे किस दल के हैं, किस जात के हैं, जो हमने कहा उन्होंने अपना योगदान उसमें कर दिया। ये मेरा जो चुनाव सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, मैं आपको बताता हूँ, वो मेरे स्वभाव का है, वो मैं कोई उसके योजना के तहत नहीं कर रहा। हमको आज तक आपको कोई नहीं बोल सकता है, और वहाँ हर बात बोला लोगों ने कि साहब आपको तो हमने सुना कि उसने भी वोट दिया, आपको उसने भी वोट दिया, बल्कि हमको तो कम वोट अगर मिला तो सबसे ज्यादा काम आपने देखा भी होगा, मेरे स्टेटमेंट को भी देखा होगा, योजना की ठीक है। वो जो बाकी वोटर मेरे खिलाफ था कोई हर्जा नहीं, लेकिन हमने उन लोगों के लिए भी पूरा 200 साल से इतना काम किया था कि स्वाभाविक रूप से हमको भी उम्मीद थी कि चलिए 1% सही सर। और इसके अलावा हम समझते हैं जो बातें आई है सामने, निश्चित रूप से सीतामढ़ी और वैशाली, देखिए मुजफ्फर, जब हम इस चुनाव में आए लड़ने के लिए तो क्या परिस्थिति थी? अभी किसी ने कहा, मनीष जी ने ही कहा कि यहाँ आरजेडी के भी सारे लोग हैं, तो भाई ये चीज आप लोगों को शायद हो सकता मैंने बताया होगा या हो सकता नहीं बताया होगा। जब मैं पहली बार लड़ना चाह रहा था आदरणीय लालू जी का राज था, 2002 की बात, और मैं उनके पास गया, मेरे उनसे बहुत अच्छे रिश्ते थे उस समय भी, आज भी मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि सर हम ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। कहते हैं अभी कहाँ चुनाव होगा, कौन मुझे लड़े थे? हमने कहा है सर स्नातक वाला, क्योंकि वो पढ़ा लिखा वाला, तो हम क्या कर बोलते हमारे वोटर जो पढ़ा लिखल नहीं थे, उनका जो अंदाज है उसी तरह से कहे। हम कहे सर हम जानते हैं उसमें आपके वोटर्स कम हैं, लेकिन आप दूसरी तरह से प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते रहते हैं, इसमें वो काम मत कीजिएगा, इतना ही आपसे हम निवेदन करने आए। कह जा को हम ठीक हो कुछ निश्चित बात, और आ गया मैं उसके बाद लड़ने आ गया। और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा, कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई थी, वो कह सकते थे कभी,
उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब कुछ। किसी प्रशासक को कह सकते थे वोटर को फेंक दो बाहर जितना कागज है, कह सकते थे देखना भाई वहां पर मत वोट देने देना, हल्ला होता था पहले ऐसा। लेकिन उन्होंने एकदम बल्कि मुझे पता चला कि जिस दिन काउंटिंग था तो उनके एक सहयोगी थे जो मेरे मित्र थे दिल्ली में ही, वो लोग बैठे हुए थे, वो हमको शाम को फोन करके कह रहे भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा रहो देवेश जीतर की ना, देखा रहो देवेश जीतर की ना। तो व्यक्तिगत रिश्ते जो है जो जिसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जो मनीष जी ने चिंता बताई जो हमारे बारे में बताई, हम चिंतित रहते हैं अपने मतदाताओं के काम के। हमने एक चीज देखा है अभिषेक जी, आप भी इस बात को अगर सीख ले तो अच्छी बात है, कि मन को दिल को हमेशा साफ रखो। जिसका काम आप कर सकते हैं उसको कर दीजिए, जिसका काम आपसे नहीं हो सकता है किसी कारण से उसको लटकाइए मत, वहीं का वहीं उसको बता दीजिए बाबू ये मेरे शक्ति से बाहर का चीज। वो कभी नाराज उस समय सोचेगा जी कि आप नहीं, लेकिन बाद में समझेगा जो हाँ सही कह रहे थे, दूसरे नेता हमको लटका देते हैं दूसरे लोगों को, ये काम मैंने कभी नहीं। तो देवेश चंद्र ठाकुर ने लालू प्रसाद की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि उनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता बहुत ही अच्छा है। जब मैं पहली बार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा था तो मैं लालू जी से मिला और कहा कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अभी चुनाव कहाँ हो रहा है, तब मैंने कहा कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से। इसके बाद मैंने आग्रह किया कि आप मेरी मदद करें और उन्होंने किया भी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था और मेरे जीतने के बाद उन्होंने बधाई भी दी। ये होता है नेता का वचन। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जैसा सच बोलने वाला व्यक्ति आपको पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। जब हम पहली बार 2002 में स्नातक से MLC का चुनाव लड़े थे तब लालू यादव के सहयोगी कांग्रेस के प्रत्याशी से मेरा सामना था, लेकिन लालू जी ने हमें जुबान दिया और अपने जुबान पर बने रहे और चुनाव में हमारा साथ भी दिया। बता दें कि होने वाले स्नातक MLC उपचुनाव के जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अभिषेक झा के लिए वोट मांगने हाजीपुर पहुंचे थे देवेश चंद ठाकुर, जहां उन्होंने ये बातें कही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।